तो आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज हम रिव्यू करेंगे वेब सीरीज का, सॉरी वेब सीरीज नहीं, ये एक मूवी है, क्योंकि पहले मुझे लगा था ये वेब सीरीज है, मगर ये वेब सीरीज नहीं है, ये मूवी है। इसका नाम है बैरट हाउस, जो कि रिलीज हुई है Zee5 ऐप पर। तो यार ये मूवी कैसी है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करो, जो साथ ही नोटिफिकेशन का जो बेल है उसे भी क्लिक कर दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो बैरट हाउस इस मूवी में हमें नजर आते हैं अमित शाह, मांजरी का फडनीस और आयान मेजी। इसे डायरेक्ट किया है बग भार्गव कृष्णा ने, और ये एक मर्डर मिस्ट्री पे बनाई गई फिल्म है। आप लोग सोच रहे होंगे यार मर्डर मिस्ट्री पे तो इससे पहले काफी फिल्में बन चुकी थी, इस फिल्म में अलग क्या है? तो यार भाई इस फिल्म में अलग जो इसका ट्विस्ट एंड टर्न्स है, जो एक सस्पेंस जो स्टार्ट से एंड तक बना रहता है ना, बस वही इसका एक मेजर पॉइंट है। और मैं बोलूंगा कि ये मूवी सिर्फ इस वजह से ही आप लोगों को देखनी चाहिए। बट मैं कहानी बताऊं तो कहानी है कि अमित शाह और मांझी का दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, और उनके तीन बच्चे है, सॉरी चार बच्चे, तीन लड़की और एक लड़का। तो अगर बात करें तो उनकी पहली बेटी ने, जो सबसे बड़ी बेटी है श्रुति, उसका मर्डर हो जाता है। और फिर मर्डर किसने किया, क्यों किया, क्या वजह से किया, ये सब कुछ जानकर आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, जैसे कि मैं हुआ था। ये मूवी देखकर पहले तो मुझे कुछ इसी लगा था ये नॉर्मल सी मर्डर मिस्ट्री होगी, लेकिन जब मैंने ये मूवी देखा तो मैं समझ गया कि यार ये कुछ हट गया, अलग है। और वाकई में इस तरीके की मूवी जो है लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है, लोगों को गूज़बम्प्स ला देती है, और लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती है कि वाकई में ऐसा भी हो सकता है क्या। तो क्योंकि आप लोग भी जब ये मूवी देखोगे तो आप लोग के जहन में, दिमाग में बहुत से सवाल आएंगे कि ये कहानी सच है या सिर्फ एक फिक्शनल कहानी है। क्योंकि जब ये मूवी शुरू होती तो मेकर्स बताते कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो यानी कि इस तरीके का वाकई में कहीं पे घटित हुआ है, ये घटना हुई, यानी कि इसी फैमिली के साथ ये सब सिचुएशन हुआ है। तो यार मैं तो दुआ करता हूँ कि यार ये जो भी फैमिली थी उन फैमिली के साथ अब आगे जाके सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि यार ये बहुत ही दर्दनाक चीज थी जो हुई थी। क्योंकि आप लोग जब ये मूवी देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, इतना बताऊंगा ये मूवी जरूर देखना। तो जिन लोगों को Zee5 ऐप सब्सक्राइब की तो वो जाके Zee5 पे देखिए, या फिर आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये मैं मूवी अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां जाके इसे देख सकते हो। तो यार इसके अलावा मूवी में स्टोरी के अलावा तो बहुत कुछ, जैसे कि परफॉर्मेंस अमित शाह का और आयान जो बच्चा चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो आयान मेंजी, उस दोनों का आप परफॉर्मेंस देखोगे ना आप उसके कायल हो जाओगे, उस बच्चे के और अमित शाह के, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिए दोनों ने। इसके अलावा बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, और मूवी की ज्यादा लंबी लेंथ नहीं है, सिर्फ डेढ़ घंटे की है। डेढ़ घंटे में मूवी स्टार्ट से एंड तक आपको बांधी रखती है, आपको बहुत अच्छा कुछ नया कुछ देखने को मिलता है, और आप सोचने में मजबूर हो जाओगे इस तरीके की फिल्म देखकर और क्या चाहिए। तो मैं बोलता हूँ आप लोग ये मूवी जरूर देखना, तो आप लोग इसमें एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, साथ साथ अच्छा बैकग्राउंड स्कोर मिलेगा, और एक काफी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है। तो यार बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल अरहान एंटरटेनमेंट को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये मूवी जरूर देखना, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो मैं आपसे कल किसी नए वीडियो के